हेलो फ्रेंड्स, आशा का किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हम 5 बड़े साइज का प्याज लेंगे और इसे बारीक चॉप कर लेंगे। इन सबको चॉप करने के बाद हम 6 से 7 लहसुन लेंगे, इनको भी कट कर लेंगे। लहसुन को हमें बारीक चॉप नहीं करना है, नॉर्मल कट कर लेना है। इन सबको कट करने के बाद हम एक कढ़ाई में 4 चम्मच सरसों का तेल लेंगे और इसे अच्छे से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच मेथी दाना डाल देंगे, 1 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और इन सबको अच्छे से पका लेंगे। और इसके बाद हम ये 3 से 4 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। ये जब पक जाए तो इसमें हम लहसुन डालेंगे, लहसुन का कलर चेंज होने देंगे। लहसुन जब भून जाए तो उसके बाद हमने जो प्याज काटा है उसको काट कर डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक अभी ही ऐड कर देंगे और नमक डालने के बाद हम इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, इसको मैंने 70% ही उबाला है। उसके बाद इसे चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा गलाना भी नहीं है, बस इसको सॉफ्ट करना है प्याज को, इसलिए मैंने ढक दिया है। अगर ढकेंगे नहीं तो प्याज फ्राई नहीं करना है, हमें बिल्कुल सॉफ्ट पकाना है। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, 1 चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अगर घर में कोई भी सब्जी ना हो तो आप इस सब्जी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। अब 1/2 चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाएगा। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला भी जले भी ना और अच्छे से पक जाए, और फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देख सकते हैं मसाला अच्छे से पक गया है। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें जो आलू कट करके रखे हैं उसको डाल देंगे। आलू डालने के बाद हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो बनाकर ट्राई कीजिए, कमेंट में लिखिए जो कैसी बनी है। भूनने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। आप देख सकते हैं सब्जी बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। ये आलू प्याज की सूखी मसालेदार सब्जी है जो काफ़ी आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। थोड़ा सा धनिया डालेंगे और प्लेटिंग कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।